हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नर्सरी प्लांट के पास से, और ये जस्ट मेरे रूम के बगल में ही है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्लांट लेने आई हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा मन था प्लांट लेने का, लेकिन मैं अकेले की वजह से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि इससे रूम तक ले भी जाना है और मुझे क्या कहते हैं मिट्टी वगैरह और कहीं मिलने वाली नहीं है। तो मैं यहीं से मिट्टी और गमला सब कुछ लगवा के इन्हीं लोग से लेके जाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गमला सिलेक्ट किया है और देखती हूँ कौन सा प्लांट समझ में आता है। तो गौरी आई थी रूम पे, तो मैंने उससे बोला कि चलो कुछ प्लांट देख लेते हैं, अगर समझ में आता है तो आज ले आऊँगी। हम दोनों यहाँ पे आ गए और अभी मैं चूज़ कर रही हूँ कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, क्योंकि मुझे सारे इंडोर ही प्लांट चाहिए, क्योंकि आउटडोर वाले मुझे चाहिए नहीं। कहीं पर मेरे यहाँ धूप वगैरह नहीं आती है जहाँ मैंने रूम ले रखा है, तो इसलिए मुझे सारे इंडोर प्लांट ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट जो है सिलेक्ट कर रही हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि क्या बताएं। मैंने बहुत सारा बालों में तेल लगाया है, सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगा लिया है, और इस वजह से गर्मी से एकदम परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पे बारिश का मौसम था तो मैंने सोचा कि कुछ प्लांट लेके लगा दूँ जिससे कि आसानी से लग जाएं। और बस यहाँ पे मैं प्लांट लूँगी, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा था, और इसके बाद फिर रूम पे चलेंगे। सो गाइस, प्लांट लेके आ गई और आप देख सकते हैं साइड में मैंने लगा भी दिया है, लगाया उन लोगों ने था, बस लाके मैं और गौरी किसी तरह यहाँ पे रख दिए हैं। और गाइस, मिट्टी के साथ में गमला ऊपर, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है और ऊपर लेके आना आसान नहीं है, तो एक यहाँ पे मैंने लगा दिया है और एक दो प्लांट मैंने रूम के बाहर रखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो मैंने सोचा उसे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ होम डेकोर के लिए मंगाया था सामान और ये आ गया है, तो चलिए देखते हैं कैसा आया हुआ है। और काफ़ी महंगा था यार, लेकिन मुझे पसंद आ गया था तो मैंने सोचा कि मुझे लेना ही है इसे। और मैं इतना बचा बचा के इसे खोल रही थी क्योंकि भारी बहुत है देखने में, ये इतना बड़ा है और वैसे है भी भारी क्योंकि मेटल का है। तो ये वॉल हैंगिंग टाइप का कुछ है जो पीछे लगता है जैसे सोफ़ा वगैरह के, तो उसे मैंने मंगाया है और देखते हैं कैसा इसका लुक है, कैसा आया हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पे ओपन करते ही मैं खुश हो गई क्योंकि सेम टू सेम जैसा उसमें दिखाए हुए थे फ़ोटो में ऐप पर, वैसा सेम टू सेम आया हुआ है तो बहुत अच्छा है। और अभी मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि भारी था, तो मैं सोच रही थी कहीं मेरे हाथ पैर में चोट ना लग जाए, मेटल का था। तो ये कुछ इस तरीके से ये है, बहुत सुंदर आया हुआ है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दे रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये दिखने में बस हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन काफ़ी भारी था। और इसके बाद अब शाम को हम लोग निकलने वाले हैं गुप्तार घाट के लिए। तो जो भी अयोध्या से हैं उनको पता है कि गुप्तार घाट कहाँ, जो अयोध्या के बाहर से हैं उनको भी पता होगा कि गुप्तार घाट कहाँ पर है और किस लिए फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, शाम हो गई थी गुप्तार घाट, तो यहाँ पे गौरी है साथ में और जो मेरे साथ में मेरे रूम के बगल में रहते हैं मेरी फ्रेंड वो हैं, और चीकू, हम चारों पांचों लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए। तो हमने वोटिंग की और बहुत मज़ा आ रहा था, शाम का टाइम था, ठंडा ठंडा लग रहा था और अच्छी सी हवा चल रही थी, हल्की हल्की धूप पड़ रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अगर आप अयोध्या आते हैं तो गुप्तार घाट ज़रूर घूमने आइए। अगर आप पहले आ चुके हैं तो अब फिर से आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग और बहुत सुंदर हो चुका है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरी अयोध्या बदल गई है। तो गुप्तार घाट तो जाहिर सी बात है बदल जाएगा, और यहाँ आपको शाम के टाइम आने में बहुत मज़ा आएगा, आइए तो वोटिंग ज़रूर कीजिए। यहाँ पे चीकू लेट जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और मैं इनको पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि डर भी बहुत लगता है, बच्चे हैं कब इधर उधर हाथ लटकाएं और उसके साथ खुद खिसक जाएं, तो इसलिए बहुत बचा के रखना पड़ता है, तो मेरा पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर था। सो गाइज़, यहाँ पे आइए शाम के टाइम, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते टहलते रहते हैं क्योंकि काफ़ी चेंज हो गया है, पहले इतनी साफ़ सफाई नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी यहाँ पे, और अब काफ़ी चेंज हो गया है। वोटिंग वगैरह बहुत अच्छे से करने को मिल जाती है, बहुत सारी वोट आ गई हैं, पहले तो इतनी नहीं थी जितनी अब है, और काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी। अगर आप आते हैं अयोध्या तो ज़रूर घूमने आइए। सो गाइस, वोटिंग करने के बाद हम लोग घाट पे आ गए हैं
और चीकू को बाइक दिख गई तो इनको बाइक चलाना था, और इन्हीं की साइज़ के जो इनके साथ चल रहे हैं उन्हीं की बाइक है, और मैं वही देख रही थी कि इनको कैसे गाइड कर रहे हैं। तो इनकी तो पूरी जिद थी कि बैठना है बैठना है, मैं तो बैठाने वाली नहीं थी, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड साथ में थे तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं बैठा देता हूँ, तो उन्होंने इनको बाइक राइड करवाई। उसके बाद फिर हम लोग बगल में आ गए, गुप्तार घाट के बगल में ही जस्ट ये पार्क है, और यहाँ पे कुछ जिम वगैरह के एक्टिविटीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चीकू फुल मज़ा ले रहे थे और गौरी इन्हीं के पीछे लगी हुई थी। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से झूला वगैरह लगा है, तो आप बच्चों को लेके आके शाम के टाइम में टाइम अपना अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। मेरे रूम के जस्ट बगल में है, लेकिन मेरा आना नहीं हो पाता है जल्दी से, तो यहाँ चीकू फुल एकदम मज़ा ले रहे हैं पार्क का। अगर आप बच्चों को लेके आते हैं तो बच्चों को इंजॉय करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो चीकू पूरा अपना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, झूला वगैरह सब झूल रहे हैं। कुछ चीज़ें बची नहीं हैं इनसे जो ये यूज़ ना किए हो यहाँ पे। तो बस हम लोगों ने शाम के टाइम सोचा कि चलते हैं गुप्तार घाट, थोड़ा सा घूम आते हैं। हम लोग यहाँ थोड़ा दिन में आ गए हैं तो इसलिए उतनी भीड़ आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, और आसपास में आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छे खासे रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आइए विज़िट करने, आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। और यहाँ पर मैं कुछ रील वगैरह शूट करवा रही थी, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। सो गाइज यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।